बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल राइट विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क। डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 3 कर रहे थे, कैट्स एंड माइस। कल हमने कैट्स की ट्रांसलेशन की थी, आज हम माइस की ट्रांसलेशन करेंगे। माइस चूहे। आई थिंक माइस आर रेदर नाइस। मेरा ख्याल है कि चूहे थोड़े से अच्छे होते हैं, उम्दा होते हैं। देयर टेल्स आर लॉन्ग, उनकी दुम लंबी होती हैं। देयर फेसेस स्मॉल, उनके चेहरे छोटे होते हैं। दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल। हैवंट, हैव नॉट, ये वर्ड है, हैव नॉट, ये शॉर्ट करके उन्होंने लिखा हुआ है हैवंट। दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल, कहते कि उन सब की थोड़ी नहीं होती। देयर ईयर्स आर पिंक, उनके कान गुलाबी होते हैं। देयर टीथ आर वाइट, उनके दांत सफ़ेद होते हैं। दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट, वो घर में रात को भागते हैं। दे निबल थिंग्स, वो चीज़ों को कुतरते हैं। दे शुड नॉट टच, वो छूते नहीं। ये इसी का है कि दे निबल थिंग्स, दे शुड नॉट टच, कि वो चीज़ों को छूते नहीं बल्कि कुतरते हैं। एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, कहते कि कोई भी उनको ज़्यादा पसंद करता हुआ नज़र नहीं आता। बट आई थिंक माइस आर नाइस, मगर मेरा ख्याल है कि चूहे उम्दा होते हैं। इसमें हमने कल कैट्स का किया था कि कैट्स के उन्होंने सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए ऊपर वर्ड्स दिए हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स में, हमने ब्लैंक्स में वो फिल करने थे वर्ड, इनमें सूटेबल जो हम कैट्स के लिए थे वो हमने कल फिल किए थे। आज माइस के लिए जो सूटेबल हैं वो इन्हीं वर्ड्स में से हम इधर पुट करेंगे, राइट करेंगे। माइस हैव लॉन्ग टेल्स, ये पीछे हमने माइस के लेसन में पढ़ा है कि माइस, देयर टेल्स आर लॉन्ग, तो माइस हैज़ लॉन्ग टेल्स। माइस लाइक टू ईट चीज़। माइस हाइड इन द हाउस। ये 3 सेंटेंसेस माइस के आपने फिल करने हैं बुक पर ही, और आपके कॉपी पे वर्क है। ये मैं आपको होमवर्क सेंड कर देती हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपने अपनी कॉपी पे लिखने और याद करने हैं, और ट्रांसलेशन भी आपने याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।